नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव सेवन। आज हम दो ऐसे इंजीनियर छात्र से आपको मुलाकात करा रहे हैं जो कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में बाहर की नौकरी छोड़कर अपने राज्य अपने घर लौट गए और इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने जिले हम अपने प्रदेश में कुछ ऐसा करें जिससे हमारे साथ साथ कुछ अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया हो सके, और कुछ ऐसा ही प्लानिंग के साथ काम शुरू कर दिया गया है। काम है कि आपको किसी भी प्रकार की सर्विस की ज़रूरत होगा तो आपको घर बैठे सर्विस मिलेगा। अगर किसी को सवरना होगा, सजना होगा, तो आपके यहाँ ब्यूटिशियन घर चली जाएंगी। अगर आपके यहाँ फ्रिज खराब हो जाता है, कूलर खराब हो जाता है, या फिर आपके यहाँ किसी भी तरीके की कोई भी वर्कर चाहिए होगा तो आपको यहाँ से मुहैया कर दी जाएगी। हमारे साथ दोनों इंजीनियर छात्र मौजूद हैं। हम आपको सबसे पहले परिचय कराते हैं। तो ये अमनदीप जी हैं जो कि इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर अपने राज्य में आए हैं और यहाँ सर्विस देने का काम शुरू कर दिए हैं। अमनदीप जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव सेवन में। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोगों को छोटे से एक ऐसे छोटे से स्टार्टअप को आपने कवर करने के लिए इतना टाइम दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अमनदीप जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको एक अच्छी नौकरी मिली हुई थी, फिर उस नौकरी को क्यों छोड़कर बिहार आ गए, पटना में एक ऑफिस डाल दिए। पहले तो नौकरी मतलब एक ऐसी जो एक कोरोना वाला जो सीज़न चल रहा था जिसमें हमें नौकरी से निकाल दी गई, क्योंकि छोटी मोटी स्टार्टअप के साथ हम काम कर रहे थे। क्योंकि पहले मैं एक अच्छी कंपनी में था, बाद में मैं छोटे से स्टार्टअप के साथ काम करना पसंद किया था, लेकिन मैं छुट्टी में घर आया था और घर आने के दौरान ही ये लॉकडाउन लगी और हमारी जॉब चली गई। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने दोनों ने मिलकर प्लान किया क्यों ना हम कुछ खुद का करें, और हमने गेट हेयर सर्विसेज नाम से खुद की एक कंपनी बनाई। और अभी रिसेंटली हम लोग पटना में 13 दिसंबर को इस कंपनी को लॉन्च किए हैं, और हम लोग यहाँ पे लोगों को एक क्वालिटी सर्विस देने का काम कर रहे हैं। और जितना हो सकता है हम लोग जो क्लाइंट हैं और जो हमारे कस्टमर हैं इन दोनों के बीच में एक अच्छा लिंक बनाकर उनके कामों को हम आसान करवा रहे हैं, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। आखिर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास कहाँ से आया? आजकल हम लोग देखते हैं कि सारी दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है, हर कोई आजकल मतलब हर किसी के पास फ़ोन है, तो इजीली हर चीज़ फ़ोन यूज़ करें, इंटरनेट का ज़माना आ गया है। तो आजकल मतलब घर पे ही देखते हैं तो कोई भी चीज़ ऑर्डर करा लेते हैं, जैसे स्विगी उठा लीजिए, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी MNC उठा लीजिए, तो घर पे ही सारा ऑर्डर ये करते हैं और घर पे ही मतलब हर चीज़ घर पे सर्विस पाना प्रोवाइड करा मतलब कराना चाहते हैं। इससे हमें आइडिया आया कि हम क्यों ना ऐसा कुछ करें कि सारे सर्विसेज जिसके लिए हम बाहर जाते हैं वो घर पे ही हमारे मतलब मिल पाए, इससे हमारा ये है। मंदित जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार अभी उतना ऑनलाइन नहीं है, ऐसे में आप लोग इस सर्विस को शुरू किए हैं तो क्या लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, अब बिहार में बहुत कंपनियाँ आ चुकी है, ऑनलाइन कंपनियां बहुत सारा आ चुकी है, और धीरे धीरे कर किसी भी चीज़ को बड़ी कंपनियां यहाँ आने की हिम्मत नहीं करती है, लेकिन हमने किया। हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे लोग सेम इन्हीं सारी चीज़ों को बाहर जाकर यूज करते हैं, तो अगर वही सारा जो सिस्टम है अगर मैं उनको यहाँ प्रोवाइड करूँ तो वो क्यों कहीं और से वो बुक करेंगे। और अच्छा रिस्पॉन्स है, 13-14 दिन से लगभग, हाँ 14-15 दिन हुआ है और अच्छा रिस्पॉन्स है, पटना में बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और रिसेंटली हम लोगों ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, आने वाले 20 से 25 दिसंबर जनवरी के बीच में हम लोग रांची और बनारस के लिए हमारी प्लानिंग हो चुकी है, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। अभी आप लोग पटना के किस किस इलाके में सर्विस दे रहे हैं? हम लोग पटना के 25 किलोमीटर का जो रेडियस है, जो सिटी है, उसमें हम लोग 25 किलोमीटर का रेडियस को हम लोगों ने बुक किया है, और इन जगहों पे हमारा जो हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो वेंडर है, वो लोगों के घर पे जाते हैं, उनको एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सारे प्रिकॉशन को वो यूज करते हैं। उनके पास प्रॉपर मास्क होता है, उनके पास एक स्टैंडर्ड कंपनी के सारे इक्विपमेंट होते हैं, वो सारे कुछ जितने भी चीज़ हैं उनको एक प्रॉपर वे में मेंटेन करके वो काम करते हैं, और जहाँ काम करते हैं वहाँ से भी वो अपने पूरे प्रॉपर वे में वहाँ जो कस्टमर है उनका फीडबैक लेकर ही वापस आते हैं। अच्छा, अगर किसी को सर्विस लेना हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ ऑर्डर करेगा, कहाँ से उसे मुहैया कराया जाएगा आदमी?
हमने इसके लिए एक ऐप प्रोवाइड कराया है, ऐप का नाम है गेट हेयर। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कीजिए। ये देखिए, ये हमारा ऐप है, ये ऐसे खुलेगी। यहाँ पर आपके सारे सर्विसेज की लिस्ट है। यहाँ पर आप ये कीजिए सर्विसेज, जैसे कारपेंटर हो गए, ब्यूटीशियन हो गए, अप्लायंस रिपेयर, सैलून एट होम, पेंटर, सारे सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको जाना है, खोलना है। जैसे आपको फेसियल कराना है तो यहाँ पर आपका लिस्ट है तैयार, एक फेसियल किस टाइप का, कितने प्रकार के फेसियल होते हैं, सारा लिस्ट यहाँ पर तैयार है। यहाँ से आप डिटेल देख सकते हो कि उनको क्या क्या मिल रहा है, और उसके बाद जो है आप यहाँ से डिटेल देखने के बाद इसमें डिटेल आ जाएगा, पूरा प्रॉपर डिटेल कि हम उनको क्या क्या दे रहे हैं। ये डिटेल देखने के बाद आप यहाँ से वो कर सकते हो, प्लस वन सेलेक्ट कर, जितने सर्विसेज चाहिए आपको आप सबको सेलेक्ट कर ले सकते हो। और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाकर, जो हमारे प्रोफेशनल है जैसे उनके पास जाकर, चांदनी रॉय हमारे प्रोफेशनल है, ऐसे ही और बाकी सारे फीचर्स में बहुत सारे वर्कर हैं। इस पे जाने के बाद अपन यहाँ से अपना एड्रेस फिल करते हैं, अपना सारा डिटेल फिल करते हैं और हम उनके पास तक पहुँच जाते हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपका सर्विस में कोई दिक्कत हो तो वो शिकायत कहाँ करेंगे? वो हमारा कॉल सेंटर है, अभी तो लगभग रात हो गई है तो हमारे सारे स्टाफ चले गए हैं। अभी हमने बिहार में 6 लोगों को, जो कल तक हम लोग कहीं और जॉब करते थे, आज हमने बिहार में जॉब जनरेट किया है। हमारे पास बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं, हमारा खुद का कॉल सेंटर पे 2 वॉइस कॉल पे काम कर रहे हैं, हमारा ग्राफिक डिजाइनर है, हमारा मार्केटिंग लोग देखते हैं, हमने सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बंदे हायर कर रखे हैं। अब हमने 6-7 बंदे को यहाँ पे छोटा सा 13 से 14 दिन में जॉब दे रखा है। अब तक क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, पटना के लोगों का क्या कहना है? औसम, इतना अच्छा हमने कभी नहीं सोचा था। और वो जो लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके बाद ही हमारी एनर्जी और हमारा जो एक पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे अंदर से आ रही है, वही उसी का रिजल्ट है कि हम लोग रांची में इतना जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, रांची और बनारस में। हाँ, हमारा हेड ऑफिस पटना होगा, इस स्टार्टअप का, इस कंपनी का जो हेड ऑफिस होगा वो पटना ही होगा। अमनदीप जी, एक ये भी हम पूछना चाहेंगे कि बहुत लोगों की नौकरी चली गई है, उन युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे जिनके कोरोना की वजह से नौकरी चली गई है, अब तक बेरोजगार हैं? हम कई जिला प्रशासन से बात हो रखी, जैसे जहानाबाद के DM जो हैं उनसे बात हो रखी है। जो उस समय जो वर्कर लौट कर आए थे उनका जो डाटा था, वो डाटा हम लोग उनसे मांग रहे हैं और उन वर्करों को इसी फील्ड में, इसी शहर में उनको काम देने का हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई बड़ी था, बड़ी का काम करता था, पेंटर का काम करता था, उनको हम वहाँ से लाकर हम अपनी कंपनी के साथ जोड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमनदीप जी। थैंक यू। तो ये हमारे साथ 2 इंजीनियर छात्र थे, इनको आप सुन पा रहे थे। इनका साफ कहना है कि जो भी वर्कर जहाँ से काम छोड़कर आए हैं, जिनके पास जो क्वालिटी है, जो काम करने का क्षमता है, उसके अनुसार काम भी दिया जाएगा। ये दोनों खुद पहले दूसरे के कंपनी में काम करते थे और अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन लॉकडाउन हुआ और घर पर फंस गए। लंबे समय तक लॉकडाउन रहने के बाद इनकी नौकरी खत्म हो गई और अब ये दोनों अलग से एक अलग सोच रख के बिहार में, यह प्रयोग था और प्रयोग काफ़ी सफल हो रहा है। पटना के लोगों का भी कहना है कि इनकी सर्विस अच्छी मिल रही है। आगे देखना होगा कि इन दोनों युवाओं का जो भविष्य है या फिर इनकी सोच है वो कितना रंग लाता है।